हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले खंडे स्टाइल महाराष्ट्र की पूरन पुली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा तप पटेला लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून जितना नमक ऐड किया है। ये जो बांदा है वो 500 ग्राम का है, तो इससे हम आटे का माप लेंगे, गेहूं का आटा हम लेंगे और हम 500 ग्राम करके 1 kg आटा इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जितनी चीनी इसमें डालेंगे। गेहूं का जो आटा है वो अच्छा एकदम बारीक पीस के लाना है हमें। इसमें लगेगा पानी और थोड़ा सा ऑयल, तो नमक और जो चीनी है उसमें पानी डाल लेंगे और फिर आटा को लगा लेंगे। हम जो डब्बे से हमने आटा काउंट किया है उसी डब्बे से हम चने की दाल काउंट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और एकदम चिकना आटा बनाना है हमें। उसी डब्बे से हम चने की दाल को काउंट करेंगे, तो 1 kg गेहूं के आटे के हिसाब से हम इसमें 1/2 kg चने की दाल भिगो रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम 3 बार पानी से अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें बॉईल करना है। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएगी और आटा लगा लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें हम 1 लीटर पानी डाल लेंगे और पानी में उबाल आ जाए उसके बाद कुकर को बंद करके 2 सीटी बजानी है हमें। फ्रेंड्स, हम जो रोटी का आटा बनाते हैं उस तरीके का आटा नहीं बनाना है हमें। ये जो आटा है वो सॉफ्ट बनता है, तो चिकना बनाना है तो पानी ज़्यादा जाएगा इसमें। इसे मसल मसल के पानी डाल के इसे एकदम चिकना बनाना है। एकदम स्मूथ एंड चिकना आटा हमें रेडी करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अभी एक मखमल का कपड़ा लेंगे और पानी में भिगो के उसे इस तरह से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आसपास में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और भांडे पे जो जो आटा लगा है उसे साफ करके इसमें पानी वही ऐड करेंगे। ये पानी सोख लेगा पूरा। पानी में उबाल आ गया है कुकर के पानी में, तो कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 2 सीटी बजा लेंगे। 2 विसल बजानी है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना है, हाथों से आसानी से टूट जाए इतना पकाना है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स, इस पानी में बहुत सारे विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो इस पानी का यूज़ हम आमटी बनाने के लिए करेंगे। आमटी महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है और चावल के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ खाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करिए, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। इसे हमें अच्छे से साफ करके फिर ही बॉईल करना है 3 पानी से वॉश करके। इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे और सारा पानी हम आमटी में यूज़ करेंगे। थोड़े से चने की दाल भी लेंगे आमटी बनाने में। अभी जो चने की दाल है उसे हमें थोड़ा ठंडा करना है, ये बहुत गर्म है तो इसे पंखे के नीचे रखेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। गुजरात में जो पूरन पुली बनती है वो तुअर की दाल से बनती है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में चने की दाल से बनती है। आप कितना खाना मीठा पसंद करते हो उतना गुड़ ले सकते हो इसमें। यहाँ पे हम लोग गुड़ एंड शक्कर की क्वांटिटी सेम लेंगे। आप चाहो तो ओनली शक्कर या फिर ओनली गुड़ का यूज़ कर सकते हो। चने की दाल को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हमारे हाथ उसमें जा सके। उसके बाद ये जो चीनी और गुड़ लिया है हमने काट के उसे इसमें ऐड कर देगी, ताकि ये थोड़ी गुनगुनी है ताकि इसमें तुरंत से ये मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा गर्म होगा तो इसे मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, गुड़ एंड शक्कर ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाते हैं। तो इसे इस तरह से
मिक्स कर लेंगे। और दाल हमारी अच्छे से पकी हुई है तो इस तरह से इसे मस लेंगे। ऐसे मसलने से हमारा जो गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी जो आजी है पूरन पूरी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है फ्रेंड्स, और उनको अच्छा लगता है पूरन पूरी बनाना। और ये जो स्टाइल में पूरन पूरी बनाती है, खांडे स्टाइल है पूरन पूरी बनाने की। और इस वीडियो में मैं इस पूरन पूरी को बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। एक छन्नी लेंगे, उस पर इस तरह से हमें छान लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम बारीक पेस्ट बननी चाहिए हमारी चने की दाल की। तो आप छन्नी को इस तरह से उल्टा भी रख सकते हो, या फिर उल्टा आपको पसंद नहीं है तो आप सीधा करके भी इस छन्नी का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा दूँगी। अभी हम छन्नी को सीधा करके बनाएंगे पेस्ट। ये जो स्टफिंग बनाते हैं तो वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, ताकि हमारी पूरन पूरी आसानी से बन जाए। इसका स्टफिंग भी स्मूथ होता है और उसका आटा भी एकदम स्मूथ होता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा जाता है। अगर आपको ये पेस्ट बनाते टाइम थोड़ा हार्ड लगे आपको चने दाल, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। इसको इस तरह से रगड़ते जाएंगे और जोर लगा के करते जाएंगे। ऐसा करने से हमारी जो स्टफिंग बनता है वो एकदम स्मूथ बनता है फ्रेंड्स। आधे लोग इसे मिक्सी में भी कर लेते हैं, लेकिन मिक्सी में प्रॉपर स्मूथनेस नहीं आती है। इस तरह से रगड़ के करने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और स्मूथनिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। पूरन पूरी बनानी आसान बन जाती है। तो अगर आप ये प्रोसेस से करते हो तो बेस्ट है। इसमें अगर आप चाहो तो इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे स्किप किया है इलायची पाउडर। थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर से मस लेंगे इसे। सारी दाल हमारी मसल लेंगे हम इसी तरह से, और इस पेस्ट को, इस स्टफिंग को हम अलग भांडे में निकाल लेंगे, अलग बर्तन में। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुई है। ऐसा करने से हमारी जो पेस्ट होती है, स्टफिंग होता है, बहुत ही स्मूथ बनता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, फील कर सकते हो इसे। बाकी बचे चने दाल को भी इसी तरह से हम स्मूथ कर करके पेस्ट बना लेंगे। अभी हमारा आटा सेट हो गया है, आधा घंटा हो गया है, तो इसे हम हाथों पे लेंगे पानी थोड़ा सा, और इसे इस तरह से खींचेंगे। इसमें चिकनाहट आनी चाहिए गेहूं के आटे में। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हो, हमने स्किप किया है मैदा। इसमें एकदम लचक नहीं आ रही है, आप देख सकते हो ये टूट रहा है थोड़ा। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। नमक परफेक्ट डालने से ये परफेक्ट आटा बनता है, और परफेक्ट नहीं बना तो समझ में आ जाता है नमक कम है। तो नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और फिर इस आटे को फिर से मस लेंगे थोड़ी देर। एक मिनट तक इसे मस लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे आटा सही से हो गया है कि नहीं। नमक एकदम परफेक्ट होगा तभी ये आटा एकदम परफेक्ट बनेगा फ्रेंड्स। हमने पहले 1 टेबलस्पून नमक डाला था, और अभी हमने डाला है 1/2 टेबलस्पून जितना। ऐसे चिकनाहट आएगी तभी हमारी पूरन पूरी एकदम ठीक से बनेगी। तो इस तरह से लंबा लंबा खींच के हमें चेक करना है, ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है अभी तक। तो इसे हमें 10 मिनट और बंद करके रखना है। मखमल का कपड़े में पानी में भिगो के रखा था, उसी से कवर करके इसे रखेंगे। इस तरह से गुलिया बना के चेक कर लेंगे। अगर परफेक्ट लुई बनती है तो परफेक्ट आटा हो गया है हमारा, लेकिन आप देख सकते हो इसमें लम्स रह रहे हैं थोड़े से, तो परफेक्ट आटा नहीं हुआ है अभी तक। तो इसे हम 10 मिनट के लिए और सेट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उस टाइम तक हम मांदे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और साफ कर लेंगे। ये मांदा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स।
मटके की तरह ही ये दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर आप रुमाली रोटी का भी प्रयोग कर सकते हो, बना सकते हो। रुमाली रोटी भी इस पर बहुत अच्छी बनती है। अभी हमारा 10 मिनट के बाद आटा एकदम सेट हो गया है। आज ही हमारे यहाँ हाथों पर पानी थोड़ा सा ले रही है और इसे इस तरह से सेट कर रही है। आप देख सकते हो ये एकदम चिकना बन गया है। अभी इसको खींचेंगे तो बहुत लंबा भी बन सकता है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। आज इसको लंबा खींचेगी तभी भी ये टूटेगा नहीं, उसको गोल गोल घुमाएंगे तभी भी ये टूटेगा नहीं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट है। ये देख सकते हो आप, इसे इस तरह से घुमाएंगे तभी भी आटा हमारा टूटेगा नहीं। तो ये हमारा आटा एकदम परफेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। इसमें बहुत अच्छी लचक आ गई है। तो अभी हम इस आटे से बनाएंगे लुबिया। तो लुबिया बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल हम पानी लेंगे और लेंगे बाजरे का आटा। बाजरे के आटे की जगह आप गेहूं का आटा का भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे बाजरे का आटा यूज़ करते हैं। मखमल के कपड़े को इस तरह से बिछा देंगे और जो लुबिया बनाते हैं उसे इस तरह से उस पर रखते जाएंगे। वो सॉफ्ट ही रहनी चाहिए हमारी लुबिया को, हमें पंखे के नीचे नहीं रखना है, इस तरह से कपड़े में ही रखना है बंद करके, ताकि वो एकदम सॉफ्ट रहे। महाराष्ट्र में जो मांदा होता है वो आसानी से मिल जाता है। दूसरी जगह पे मुझे आइडिया नहीं है, बट मांदा हर एक जगह पे मिल जाता है। उसका नेम मांदे से यूज़ करते हैं सब लोग यहाँ पे। अगर आपके पास मांदा नहीं है तो बड़ी सी कढ़ाई होगी आपके पास, स्टील की एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, वैसी कढ़ाई होगी आपके पास, तो वो आप गैस के ऊपर रख के भी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, कढ़ाई होती है उसके ऊपर भी इसी तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन जो पूरन पुली की साइज़ है वो छोटी हो जाती है थोड़ी। अभी हमें लुबिया कैसी बनानी है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले हमें आटा लेना है हाथों पे, उसे ठप ठपाते जाना है। थोड़ा सा हमें डस्टिंग के लिए आटा लगेगा, बहुत चिकना है ये आटा, तो थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हम लेंगे और हाथों पे चिकना हट नहीं आए इसके लिए। और इसे इस तरह से थपथपाते हुए गोल करते जाएंगे। इसे हमें एकदम अच्छी तरह से गोल करना है, राउंड शेप में आ जाए तब तक। आंटी हमारी एकदम परफेक्ट लुइया बनाती है, आप देख सकते हो उनके स्टाइल। इस तरह से घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, और लुवियो की जो साइड की किनारी है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से निकल जाती है। तो इसे फिर हम कट कर लेते हैं, इस तरह से तोड़ के डाल लेते हैं। तो ये लुई रेडी है। उसके बाद उसे डस्ट करेंगे आजी और उसे इस तरह से ज़ोर ज़ोर से थपथपाएंगे हाथों पे और लुई को रखते जाएंगे। आप देख सकते हो मीडियम साइज़ की लुइया हम बना रहे हैं। दो लुई से एक पूरन पुली बनती है हमारी फ्रेंड्स। तो 1 kg आटे से हम 14 लुइया बना सकते हैं मीडियम साइज़ की। अगर आप बड़ी एकदम बड़ी बनाना चाहते हो तो 5 बनेगी, छोटी छोटी बनाना चाहते हो तो 9 से 10 बनेगी, लेकिन मीडियम साइज़ की अगर बनाना चाहते हो तो 7 पूरन पुली बनेगी आपकी 1 kg आटे में। इसी प्रोसेस से हम सारी लुइया बना लेंगे। आप ये प्रोसेस एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरन पुली बनाने के लिए। उसकी लुविया परफेक्ट होनी चाहिए तभी हमारी पूरन पुली अच्छे से सेट होकर बनेगी। इस जो पूरन पुली है हाथ पे बनाते हैं, तो इसीलिए इस आटे को बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है और चिकना बनाना पड़ता है। ये इतना सॉफ्ट लगता है कि हाथों पे लगाएंगे तो एकदम सॉफ्टनेस आपको दिखेगी इसकी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये खांडे से स्टाइल में पूरन पुली बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये खांडे से स्टाइल में पूरन पुली बनाने की रेसिपी सबके पास पहुंच सके और सब लोग ये बना सके। और फ्रेंड्स, सपोर्ट करिएगा मेरे इस चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरा। चूल्हे पर इस मांडे को रख देंगे चूल्हे को चला के। आप चूल्हे की जगह गैस पे भी इसका यूज़ कर सकते हो, मांडे को भी रख सकते हो गैस पे, पर गैस पे इसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने
चूल्हे पे ही बनाया है ये। हवा बहुत ज़्यादा आ रही है फ्रेंड्स। दो लोबिया ले लेंगे और बाजरे के आटे में हम दस्त करेंगे पहले उसे। हमारा भांडा गर्म हो जाए तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। मांदा जो है वो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। दो लोबियों को दस्त करेंगे और इस तरह से दबाते जाएंगे। पहले हमें साइड की जो किनारी है उसे एकदम बारीक करना, बारीक एकदम नहीं करना है, नॉर्मल बारीक करना है। रोटी की साइज़ की ये हो जाए तब तक ये प्रोसेस करनी है। उसके बाद दूसरी लोई ले लेंगे, दूसरी लोई को भी यही प्रोसेस से हाथों की हेल्प से बड़ा करेंगे। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथों की हेल्प से ये इस तरह से बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है और आसानी से बन जाती है। बीज के पार्ट को हमें मोटा रखना है फ्रेंड्स, ये याद रखें। पहले बीज का जो पार्ट है हमारा मोटा रहना चाहिए। बीज का पार्ट हम हाथों की हेल्प से ही करेंगे। आज ही की ये प्रोसेस आपको कैसी लगी है मुझे आज ही के नाम पे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी जो हमने पेस्ट बनाई थी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे सॉफ्ट कर देंगे, थोड़ी कड़क हो गई थी इसलिए। और फिर जितनी क्वांटिटी आप मीठा बनाने चाहते हो उतना इस पर डालेंगे। पूरी रोटी कवर हो जाए उतना हमें डालना है। इसके ऊपर आप ऑयल भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। ऑयल लगाने के बाद उसको इसके ऊपर रख सकते हो। हम यहाँ पे ऑयल स्किप कर रहे हैं, लास्ट में आपको ऑयल से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अभी थोड़ा डस्टिंग लेंगे उसके ऊपर और फिर इसे हम हाथ पे ले लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। हमारी जो पेस्ट है वो भी चिकनी है तो ये भी चिपक जाएगी उसके साथ, तो आसानी से हम इस तरह से घुमा सकते हुए। बीच में ज़्यादा आटा इसलिए लिया है क्योंकि हाथों पे हमें इस तरह से बनाना है। अभी हम बेलन लेंगे और बेलन से जो चकला है उतनी हमें इसको बेलना है। चकले का दाना निकल गया है वैसे, दूसरा चकला ले लेंगे हम इसको बनाने के बाद। तो इसे इस तरह से मीडियम साइज़ की बना लेनी है पहले। हमारी जो बेलन है उसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाया है फ्रेंड्स उसे लगाएंगे ताकि हमारा जो आटा और स्टफिंग है दोनों मिक्स हो जाए, एकदम समान मात्रा में मिक्स हो जाए। इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से आटा और जो पेस्ट है वो सेम मिक्स हो जाती है, आप देख सकते हो। आप अगर छोटी साइज़ की बनाना चाहो पूरन पुली तो छोटी साइज़ की आप गैस पे आराम से बना सकते हो इसी प्रोसेस से फ्रेंड। और इसे आम के रस के साथ बहुत ही अच्छे से आप से सर्व कर सकते हो। अभी हम इसे हाथ पे ले लेंगे। अभी आप देख सकते हो इसकी प्रोसेस क्या है, थोड़ी हार्ड है इसकी प्रोसेस, आज ही हमारी बता रही है। इस तरह से हाथों पर इस तरह से घुमाते जाएंगे और बीच में हमने मोटा इसलिए रखा था ताकि ये हाथों से इस तरह से सेट हो जाए। इस तरह से घुमाएंगे हमें इसे और आप देख सकते हो बीच में पतला हो गया है तो इसे इस तरह से मांडे पे रख देंगे अच्छे से। ये बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा टूटेगा लेकिन नो प्रॉब्लम। अभी इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है हमें, एक तरफ बबल्स आ जाए उसके बाद इसे हमें घुमाना है। अभी हम दूसरी पूरन पुली बनाते हैं। इस वीडियो में आपको दो से तीन पूरन पुली बनाने की कैसे बनाई है वो आपको दिखाने वाली हूँ ताकि आपको प्रॉपरली इसका प्रोसेस समझ में आ जाए कि कैसे करना है। इस तरह से घुमाएंगे पहले साइड की किनारी किनारी को। छोटी रोटी बनाते हैं, फुल्का रोटी उतनी बनाएंगे हम। अभी इसको हम हाथों की हेल्प से घुमा लेंगे। अगर हाथों से आप घुमाना मुश्किल लगता है तो हाथों पे आप ग्लोव्स पहन के भी ये काम कर सकते हो अगर आपको डर लगता है। यहाँ पे आंटी और जो मेरी आजी है बहुत एक्सपर्ट है इसे बनाने में, हाथों से ही वो घुमाते हैं पूरन पुली को। पेस्ट ले लेंगे। हमारी पूरन पुली ऊपर से सिक गई है और नीचे से भी सिक गई है तो इसे हम निकाल लेंगे।
साइड की किनारी अगर कच्ची रही है फ्रेंड्स, तो इसे हमें तोड़ के निकाल देना है और उसके बाद उसे कवर करके टोकरी में रखते जाना है। अभी हम इसे हाथ पे इस तरह से लेंगे और फिर बेलन से इस तरह से चकले पे मीडियम साइज़ करेंगे, उसके बाद फिर से हाथ पे प्रोसेस करनी है। बेलन से हम करते हैं तभी हम साइड की किनारी को ही पतला करते हैं, वो भी आप देख लो। बीच में हमें ज़्यादा बेलन नहीं लगानी है, बीच में इस तरह से हाथों की हेल्प से ही ये पतली हो जाती है और इस तरह से रखते जाएंगे। हमारी पूरन पूरी एकदम परफेक्ट बन रही है। साइड की किनारी इस तरह से निकाल देंगे और इसे कवर करके टोकरी में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हर एक फेस्टिवल पे ये पूरन पूरी बनती ही बनती है। अभी तो आम का सीजन है तो स्पेशली ये हर एक के घर में बनती रहती है। और ये जो प्रोसेस है प्रॉपर ठंडे से प्रोसेस है फ्रेंड्स। इसे इस तरह से हाथों की हेल्प से घुमाएंगे। अगर आप ऑयल डालना चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर सकते हो। ऑयल डालने से ये नरम रहेगी। बेलेंगे इसको। अगर साइड की किनारी पे डस्ट लग गया है तो उसे भी निकाल लेंगे। चूल्हे पे बनाते हैं तो चूल्हे पे थोड़ा सा डस्ट लगना पॉसिबल है। ये जो प्रोसेस है हाथों पे करने की, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छी है। इस मानदे पे ये प्रोसेस बहुत अच्छे से होती है। और अगर आप रुमाली रोटी बनाना चाहते हो, खाखरा बनाना चाहते हो, तो भी ये मानदे पे आप आसानी से बना सकते हो। अभी ऑयल हमें कैसे लगाना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। एक तरफ से हमने सेक लिया है, दूसरी तरफ से इस तरह से ऑयल लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद इसे फिर से घुमाएंगे और पीछे की साइड भी हम ऑयल लगा लेंगे। दोनों तरफ से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से ये पूरन पूरी एकदम सॉफ्ट रहती है फ्रेंड्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऑयल लगाना चाहो तो लगा सकते हो। परफेक्ट पूरन पूरी बन गई है हमारी, आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ी सी कच्ची है तो उसे थोड़ा से देर और पका लेगी और फिर निकाल लेगी। अभी हमारी ये पूरन पूरी एकदम परफेक्ट हो गई, तो इसे राउंड कर लेगी और निकाल लेगी। तो रेडी है हमारी सारी पूरन पूरी बन के फ्रेंड्स। आशा रखती हूँ आपको ये पूरन पूरी बनाने का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई इंग्रेडिएंट्स में आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ, तो वहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स ले सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी पूरन पूरी गिर जाती है एक तरह से सीखने के बाद, तो इसके ऊपर इस तरह से आप कटका रख सकते हो ताकि इसमें थोड़ा भार रहे, तो ये पूरन पूरी टूटेगी भी नहीं और नीचे गिरेगी भी नहीं। हमारी एक पूरन पूरी नीचे गिर गई है तो उसके लिए मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ आपको कि उसके ऊपर थोड़ा सा एक भारी कटका रख देंगे तो ये गिरेगी नहीं और अच्छे से सीख जाएगी। आप चूल्हे पे बनाना अवॉइड करते हो तो आप गैस पे भी इसे आसानी से बना सकते हो। हमारी सारी पूरन पूरी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इसे आप गर्मा गर्म आम के रस के साथ, रबड़ी के साथ, खीर के साथ सर्व कर सकते हो, कोई भी मीठे के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। साइड की किनारी को निकाल के गाय को खिला देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो सारी पूरन पूरी हमारी रेडी है, उसे टोकरी में बंद करके रख देंगे हम। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।